हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेमेडी जिससे जो आपकी हेयर फॉल है वो बिल्कुल रुक जाएगी एंड आपके हेयर की ग्रोथ भी बढ़ेगी। गाइस, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि आप हेयर केयर पे एक वीडियो बनाओ, सो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। एंड गाइस, इस रेमेडी से आपके हेयर फॉल 100% रुक जाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी एंड आपके हेयर्स काफ़ी स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे। एंड ये रेमेडी मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, इससे जो आपके हेयर का टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, पैराशूट का कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। वन स्पून कोकोनट ऑयल डालूंगी मैं इसमें। अब इस कोकोनट ऑयल को मेल्ट करने के लिए मैं इसे गर्म पानी में रख दूंगी। इसके बाद मैं इसमें यूज करूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के भी मैं 1 स्पून डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का डालूंगी। विटामिन ई काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए, ये हमारे हेयर्स को जल्दी ग्रे होने से भी रोकता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेमेडी मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करें शैम्पू से पहले। ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसे अपने हेयर पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं आपको इस रेमेडी का एप्लीकेशन बताती हूँ। हमें इसे सिर्फ अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं करना है, हमें इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। देखिए, ऐसे मैं इसे अपने फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने नेल्स की हेल्प से सेक्शन डिवाइड करते करते इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से मसाज कर दूंगी। हमें इसे सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, हमें इसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से मसाज भी करना है ताकि ये हमारे हेड में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी मेरा एप्लीकेशन का प्रोसेस हो चुका है, सो अभी मैं अपने हेयर्स को टाई कर लूँगी। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है
एंड गाइस, अगर आपको ये रेमेडी यूज़फुल लगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.